नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इतिहास की इस अगली क्लास में। ये हमारी इतिहास की जो प्राचीन भारत है उसकी जो सेकंड लास्ट क्लास है भाई। इसके बाद सिर्फ एक वीडियो रहेगी, उसमें हम पूरा जो प्राचीन भारत है वो खत्म कर देंगे। आज की वीडियो में अध्ययन करेंगे पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश का। ठीक है, इनसे क्वेश्चन रेलवे और दिल्ली पुलिस इन सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखो, आप लोगों को यदि इस क्लास के नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एमदत्री, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से ले सकते हैं। और यदि आपको व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन करना है तो हमारे जो यूट्यूब चैनल के जो डिस्क्रिप्शन में हमने जो बायो में उसकी लिंक दे दी है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले है पल्लव वंश। देखो पल्लव वंश की सबसे पहली जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हरिश्रेण के प्रयाग प्रशस्ति में, और दूसरी जानकारी मिलती है जो हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री आया था हेनसांग, उसके यात्रा वृतांत में। ठीक है, यात्रा वृतांत में। देखो पल्लव वंश की राजधानी थी कांची या कांचीपुरम, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है। ये जो है सातवाहनों के सामंत थे, जो पल्लव जो थे वो सातवाहन सातवाहनों के सामंत थे। देखो पल्लव वंश की स्थापना करते हैं सिंह विष्णु 575 ईस्वी में। ठीक है, कब करते हैं? 575 ईस्वी में करते हैं। देखो सिंह विष्णु के दरबार में एक कवि था भारवी, इसकी पुस्तक है कृतार्जुनीयम। ये पुस्तक पूछी गई है। ठीक है, कृतार्जुनीयम किसकी है? भारवी की पुस्तक है। देखो मंदिर निर्माण कराया कौन सा? मामल्लपुरम। कौन सा? मामल्लपुरम में आदिवराह मंदिर, मामल्लपुरम में आदिवराह मंदिर इसका निर्माण कराया किसने? सिंह विष्णु ने। सिंह विष्णु का जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ महेंद्र वर्मन प्रथम। ये इसे पराजित किया किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। मैंने बताया था कल जब मैंने पढ़ा रहा था तुम्हें, ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में जो बता रहा था, हर्षवर्धन को भी पहला जो एकमात्र युद्ध पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, और इसे जो महेंद्र वर्मन प्रथम है इसे भी पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ठीक, महेंद्र वर्मन प्रथम ने रचना की थी एक हास्य नाटक था मत्तविलास, मत्तविलास प्रहसन नाम के नाटक की रचना की थी किसने? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। देखो पुलकेशिन द्वितीय से देखते हैं, पुलकेशिन द्वितीय हराया था किसने? किसने हराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था। प्रिय किसने? महेंद्र वर्मन प्रथम इससे हार गया था, और इसे हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, और इसे हराकर उपाधि धारण की थी वातापी कोंड की। किसकी? वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी, और एक लिखी और किसकी? महामल्ल, ये दो उपाधि धारण करता है। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम ने स्थापना की थी महाबलीपुरम की या फिर मामल्लपुरम की। ठीक है, इसने मंदिर का निर्माण कराया यहां पर रॉकाट मंदिर का। किसका? रॉकाट मंदिर का निर्माण कराया किसने भाई? क्वेश्चन पूछा जाता है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम में रॉकाट मंदिर का निर्माण कराया। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसे हराया? देखो किसे हराया? चोलों को हराया इसने। किसे हराया? चोलों को हराया, चेरों को हराया और पांड्यों को हराया। चोल, चेर और पांड्य तीनों को, बाकी तीनों को हराया। किस जो प्रतापी राजा था, जो इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम था। ठीक है, आगे देखो महाबलीपुरम में जो मंदिर है, जो एकास्य मंदिर है, एकास्य मंदिर है, इसका अन्य नाम है रथ मंदिर। महाबलीपुरम का जो मंदिर है इसका एक अन्य नाम क्या है? इसका एक अन्य नाम है रथ मंदिर है। ठीक है, क्या नाम है? रथ मंदिर है। जो सबसे छोटा जो रथ है इसमें देखो पांच रथ बताए गए हैं। एकास्य मंदिर है, इसमें पांच रथ बताए गए हैं, और सबसे छोटा जो रथ है वो द्रौपदी रथ बताया गया है। सबसे छोटा जो रथ है वो द्रौपदी रथ बताया गया है। कौन सा? द्रौपदी रथ बताया गया है, जो सबसे छोटा रथ है। ठीक है, महाबलीपुरम के मंदिर में। आगे आ जाता है महेंद्र वर्मन द्वितीय, इसे हराया, इसकी हत्या कर देता विक्रमादित्य प्रथम। विक्रमादित्य प्रथम जो है इसकी हत्या कर देता किसकी? महेंद्र वर्मन द्वितीय की। इसके बाद आता है नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय पर जो है अरबों का आक्रमण भारत पे होता है। किसका आक्रमण? अरबों का आक्रमण होता है। इसने मंदिर का निर्माण कराया है कांची के मंदिर का। कांची में कौन कौन से मंदिर का? कैलाश मंदिर का, जो कि द्रविड़ शैली में। ठीक है, केला कांची के जो कैलाश मंदिर है इसका अन्य नाम है राज सिद्धेश्वर मंदिर। क्या नाम है? जो कैलाश मंदिर है कांची का उसका एक अन्य नाम है राज सिद्धेश्वर मंदिर। इस वंश से, जो पल्लव वंश है, इससे मंदिर निर्माण कला बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में एक लेखक रहता था दंडी, जिसकी जो रचना है दस कुमार चरित। क्या नाम है? दस कुमार चरित किसने लिखी है? दंडी ने लिखी है। ठीक है, आगे देखो, आगे आ जाता नंदी वर्मन द्वितीय। नंदी वर्मन द्वितीय निर्माण कला कहां पर? कांची में मंदिर बनवाया था इसने, मुक्तेश्वर मंदिर। कौन सा? एक मुक्तेश्वर मंदिर, एक बैकुंठ पेरूमल मंदिर। इसने दो मंदिर बनवाए थे, ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ मंदिर किसने बनवाए? नरसिंह नंदी वर्मन द्वितीय ने। इसकी पत्नी थी दंती दुर्ग की पुत्री।
जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती रुद्र, ठीक है। चालुक्यों से संघर्ष, जो नंदी वर्मन द्वितीय का चालुक्यों से संघर्ष हुआ, इसका कारण था कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का क्षेत्र। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी जो है उसके क्षेत्र को लेकर इन दोनों में आपस में संघर्ष था। धर्म की बात करें, पल्लव वंश है वो वैष्णव धर्म का था, लेकिन महेंद्र वर्मन प्रथम जो है शैव धर्म अपना लिया था उसने, ठीक है। अंतिम शासक कौन था? अपराजित था। अंतिम शासक का नाम ही अपराजित है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा गया है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? भाई अपराजित था, ठीक है। देखो भाई आगे देख लेते हैं, आगे आ जाएगा चालुक्य वंश, आगे आ गया चालुक्य वंश। आगे देखो चालुक्य वंश, देखो चालुक्य वंश जो है इसकी तीन शाखाएं थी, एक वातापी या बादामी के चालुक्य, एक कल्याणी के चालुक्य, एक बेंगी के चालुक्य, ठीक है। तीनों से मिला जुला कर हम पढ़ेंगे। देखो चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? जयसिंह थे, ठीक है। और इन्होंने राजधानी कहाँ बनाई? भाई वातापी बनाई, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वातापी थी राजधानी। पहले जो प्रतापी राजा थे वो हुए पुलकेश्वर प्रथम। पुलकेश्वर प्रथम जो है पहले प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने क्या करवाया? अश्वमेघ यज्ञ करवाया। किसने? पुलकेश्वर प्रथम ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे हैं, आगे आ जाते हैं पुलकेश्वर द्वितीय। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं पुलकेश्वर द्वितीय से। देखो इसने क्या किया? पुलकेश्वर द्वितीय ने अपने चाचा मंगलेश को हराया, और किसे हराया? हर्षवर्धन को हराया। हर्षवर्धन जो एकमात्र युद्ध नीचे हारा था, ठीक है, हर्षवर्धन को भी हराया, ठीक है। उपाधि धारण की थी श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज, श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी, ठीक है। पुलकेश्वर द्वितीय की हत्या कर देता है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, और उपाधि धारण करता है पुलकेश्वर द्वितीय को मारकर किसकी? वातापी कोंड की। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? किसने की थी भाई? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। आगे आया था राष्ट्रकूट वंश। देखो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 752 ईस्वी में दंती दुर्ग द्वारा की जाती है, दंती दुर्ग द्वारा की जाती है। इनकी जो राजधानी थी वो थी कहां पर? मान्यखेत। आरपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया भैया, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहां थी? भाई मान्यखेत थी, लेकिन बाद में परिवर्तित होकर कहां हो जाती है? नासिक हो जाती है। उपाधि धारण की थी दंती दुर्ग ने महाराजा धीराज की, एक परमेश्वर की और एक परम भट्टा रख की उपाधि, ठीक है। ये तीन उपाधि धारण की थी किसने? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग ने। देखो कृष्ण प्रथम के बारे में देखते हैं, इसी वंश का एक राजा था कृष्ण प्रथम। उसने समाप्त किया था क्या? बादामी के चालुक्यों को, बादामी के चालुक्यों को समाप्त किया था इसने। विजय स्तंभ बनवाया कहां पर? तंजावुर में। क्वेश्चन पूछा जाता है कृष्ण प्रथम ने विजय स्तंभ कहां पर बनवाया? तंजावुर में बनवाया। और निर्माण कराया किसका? एलोरा की गुहा मंदिर का, गुफा मंदिर का। इसमें जो है कैलाश मंदिर है एलोरा की गुफा में, वो किसको समर्पित है? भगवान भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है भाई। आगे देखो, आगे देखते ध्रुव। राष्ट्रकूट वंश का ही शासक होता है ध्रुव। देखो ध्रुव ने जो है संघर्ष में भाग लेता है, जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था किस किसके बीच? किस किसके बीच हुआ था? पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच। ये देखो पाल जो प्रतिहार वंश है यही से शुरू करते हैं, यही से खत्म करते हैं। देखो इसमें भागीदार हुआ और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? कन्नौज पर इसने ध्रुव ने अधिकार कर लिया। इसका जो ध्रुव का अन्य नाम था धारावर्ष, ये क्वेश्चन पूछा गया है। धारावर्ष किसका अन्य नाम था? किसका था भाई? ध्रुव का था, जो राष्ट्रकूट वंश का था, ठीक है मेरे भाई। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है अमोघ वर्ष का। अमोघ वर्ष जो है जैन अनुयायी था। किसका था? ये था जैन अनुयायी, जैन अनुयायी था। इसने रचना की थी कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की। किसकी? कविराज मार्ग की इसने रचना की थी अमोघ वर्ष ने। देखो इसने क्या है? जल समाधि ली थी तुंगभद्रा नदी में। क्वेश्चन पूछा जाता है किस राष्ट्रकूट शासक ने तुंगभद्रा नदी में जो जल समाधि ली थी, किसने ली थी भाई? किसने? अमोघ वर्ष ने भाई। आगे देखो, आगे आते हैं एलोरा और एलिफेंटा की गुफा, ठीक है। एलोरा एलिफेंटा की जो गुफाएं वो आ जाती हैं, इनका निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों के समय हुआ था और गुप्तों के समय हुआ था, ठीक है। इसमें देखो कुल जो है 34 गुफाएं, कितनी मंदिर हैं? 34 गुफाएं, गुफा मंदिर हैं। 1 से लेकर 12 तक किसकी हैं? बौद्ध धर्म की हैं, ठीक है। जिसमें से 10 नंबर गुफा प्रसिद्ध है विश्वकर्मा गुफा के नाम से, ठीक है। 13 से लेकर 29 जो गुफाएं हैं वो हिंदुओं की हैं, जिसमें 15 नंबर गुफा प्रसिद्ध है किसकी? विष्णु की, नरसिंह अवतार के रूप में। और 30 से लेकर 34 नंबर तक गुफाएं वो किसकी है? जैन धर्म की। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन से धर्म से संबंधित है? हिंदू बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। देखो आगे देखते हैं पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इनकी राजधानी थी कहां पर? मुंगेर। गोपाल ने बौद्ध धर्म अपना रखा था, ठीक है, ठीक है जी। क्या? बौद्ध धर्म अपना रखा था और मठ का निर्माण किया था इन्होंने ओदंतपुरी। कौन सी मठ का निर्माण किया था गोपाल ने? किसका करा था? ओदंतपुरी मठ का निर्माण किया था, ठीक है। देखो आगे बात करते हैं धर्मपाल की। धर्मपाल ने स्थापना की थी, देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, धर्मपाल के द्वारा स्थापना की जाती है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की,
ठीक है। और इसको धर्मपाल को ध्रुव ने पराजित किया था, मैंने बताया था जो अभी जो पढ़ाया था जो राष्ट्रकूट वंश का ध्रुव, उसने इसे पराजित किया था। कैसे? धर्मपाल ने, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, कैसी लगी वीडियो? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।